जनता दरबार का हुआ आयोजन। गुवासी मौजा मटियारी टोला के आदिवासियों द्वारा कब्जे की भूमि जमींदार द्वारा अन्य के पास बेचने के मामले का हुआ निष्पादन। के नगर दूसरे सप्ताह भी फरियादियों द्वारा आवेदन ऑनलाइन होने के बाद अन्य समस्या के समाधान को लेकर के नगर थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता के नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह व के नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार झा संयुक्त रूप से कर रहे थे। आयोजित जनता दरबार में पूर्णिया DAV चौक स्थित कौशिक नगर निवासी जमींदार लक्ष्मीनाथ मिश्रा का पुत्र पवन कुमार मिश्रा का के नगर अंचल क्षेत्र के गुवासी मौजा में बनभाग चुनापुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 स्थित मटियारी टोला के आदिवासियों द्वारा दो पक्ष के बीच हुई गुवासी मौजा के जमीन में जमीनी विवाद के मामले का अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह एवं पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार झा के द्वारा त्वरित सुनवाई की गई। आदिवासियों द्वारा जनता दरबार में कहा जा रहा था कि हम सभी विगत 50 वर्षों से जमींदार को लीज देकर खेती करते आ रहे हैं। बताया कि वर्तमान स्थिति में उक्त जमीन से जमींदार द्वारा बेदखल किया जा रहा है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 के जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम उर्फ बाबुल पर ब्रोकरों को साथ देने का आरोप अजय मुर्मू एवं अन्य के द्वारा लगाते हुए पुलिस अधीक्षक पूर्णिया को लिखित शिकायत किया गया था, जिस पर रईसुल आजम उर्फ बाबुल ने जनता दरबार में पहुंचकर बताया कि मैं प्रतिनिधि हूं, मुझे क्षेत्र में सूचना मिली थी मटियारी में भूमि की नापी होना है, आप आइए। तब मैं वहां पहुंचा था, मेरे समक्ष किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ, ना ही मेरे द्वारा अभद्रता किया गया है। मेरी मांग है इस विवाद का जाँच कर जिसका जमीन है उसको दे दिया जाए। वहीं अंचलाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, प्रथम पक्ष अजय मुर्मू व अन्य के पास जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई कागजात सुनवाई में प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि कोई केस मुकदमा या अन्य आपत्ति अभी तक नहीं किया गया है। दूसरे पक्ष ने भूस्वामित्व होने का भी साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत किया। अतः दोनों पक्षों को आपस में बैठकर विधि व्यवस्था को कायम रखते हुए सर्वसम्मति से विवाद का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताया। इस जनता दरबार में कुल 5 मामले आए और 4 मामले का निष्पादन किया गया। पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार झा ने उपस्थित पक्ष व विपक्ष को निर्देश दिया कि हुए फैसले के विरुद्ध कोई पक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। नसीहत देते हुए कहा कि शांति भंग होने की दिशा में जांच में दोषी पाए जाने वाले पक्ष के विरुद्ध एक पक्षीय कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस खबर में। हम लोग जो है एक जमीन है, जिस जमीन पे हम लोग जो है खेती गृहस्थी करते हैं, तो उस जमीन को जो है हम लोग जमीन मालिक को पहले मतलब जो है अनाज देते थे। अब जो है अनाज देते देते जो है 20-25 साल से जो है हम लोग से लीज मांगने लगे, तो लीज मांगने लगे और हम लोग को वे बोले थे कि जो है इस ज़मीन को जो है आप लोग छोड़िएगा नहीं अपना मतलब पोजीशन, ठीक है। तो वो पोजीशन हम लोग भी बोले ठीक है, आप ऐसा बोलते हैं तो पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। तो पोजीशन अब जो है मतलब डायरेक्ट जो है हम लोग उस समय भी बोले थे कि लीज भी देते रहेंगे और आप हम लोग को एग्रीमेंट कर दीजिए और हम लोग लीज के साथ साथ वो रुपया भी हम लोग देंगे, ठीक है। तो बाद में जो है ये हम लोग जब गए कि जो है मालिक आप जो है हम लोग को बोलिए कि कितना कैसे रेट लगाइएगा हम लोग को बता दीजिए, वो बोले कि ठीक है हम बता देंगे, जब लेन आप लोग हम बेचने लगेंगे तो हम आपको बता देंगे। अब जो है वे ब्रोकर सबको जो है एग्रीमेंट कर दिए हैं और हम लोग को जो है मतलब ज़मीन से जो है हम लोग को बेदखल कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है सर, मतलब जिस समय से हम लोग देते आए हैं, ठीक है, तो अभी जो मतलब रेट है ब्रोकर तो मान के चलिए अभी 10% का चीज़ 50 रुपया में बेचेगा, ठीक है। तो मालिक का कहना है कि आप लोग ब्रोकर से ले लीजिए, तो ब्रोकर तो हम लोग को हाई फाई रेट बताएगा। तो हम लोग का कहना है कि सर उसका जो भी मतलब रेट बने कुछ डिसाइड कर गए हैं, दोनों में कंप्रोमाइज कर लीजिए। जी, आप लोगों के द्वारा SP साहब के यहाँ भी आवेदन दिया गया है। जी, उसमें उल्लेख किया गया है कि जो वहाँ के जिला परिषद है उनके द्वारा आपके ज़मीन पर आकर या आप लोग के साथ अभद्रता किया गया है, क्या है जी, सच्चाई? इस पर सच्चाई यही है सर, जब वो लोग नापी करने आए थे, ठीक है, तो वहाँ जिला परिषद आए थे, तो जिला परिषद को हम लोग को समझाने के बजाय जो है लेडीज़ लोग से
बोल रहे हैं कि हैं आप लोग जो है मतलब अभद्र शब्द इस्तेमाल किए लेडीज़ लोग से, और इसमें जो है उनका कहना है कि कल के कल नापी होगा। ठीक है, आप लोग का ज़मीन नहीं है ना है, हम लोग भी सर बोल रहे हैं कि हम लोग का ज़मीन नहीं है, ज़मीन मालिके का है, हम लोग भी मालिक से लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग लेना नहीं चाहते। अभी जोत आबाद कितना दिन से आप लोग को? जोत आबाद 50 वर्ष हम लोग का दादा गुजर गए, उसमें हमारे पिताजी भी गुजर गए। अब लोग हैं वहाँ सर 20-25 घर है, वो सभी का जमीन जी, सब मतलब सब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हिस्सा बांट करके खेती कर रहे हैं। आप लोग यहाँ थाना है जी, क्या कहा है? थाना में कहा है सर कि आप लोग चलिए वहाँ पे जो है ये जनता दरबार में जो है आपका जो भी सुनवाई होगा वो आप लोग को सुनाया जाए। अभी सुनवाई हुई है? जी सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई है, पर आवेदन दिया गया है। क्या परिचय है आपका, नाम क्या है? अजय कुमार मुर्मू। घर कहाँ है? घर सर मटियारी बक्सा घाट, वार्ड नंबर 12, पंचायत चुनापुर। हम लोग 50 साल से खेती कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो है ज़मींदार है उसको भी हम लोग हिस्सा दे रहे थे लीज भी दे रहे थे, वो लोग बोल दिया हमको कि जो बेचेंगे तो आप ही लोग को देंगे, यही बोल दिया। और देखिए सर, हम लोग को बिना पूछे ईमानदार पर हम लोग रहे, इसीलिए वो ब्रोकर को दे दिया, हम लोग को नहीं पूछा। अभी उसका घर आए तो वो बोल रहा है हम ब्रोकर को दे दिए, आपको लेना है तो ब्रोकर से ले। हम ब्रोकर को नहीं दिए हैं, अपना जमीन खुद घेर रहा है, बोल रहा कि दे दिया आया था उसका घर में कि दे दिया, ब्रोकर को दे दिया। वो बोल रहा है कि ब्रोकर से आप लीजिए। कितना दिन से आप उस जमीन पे थे? 50 साल से हैं हम लोग। हाँ, मेरा जो माता पिता है वो तो उतना दिन से वो लोग कर रहे हैं, हम लोग का उम्र भी देखिए इतना तक हो गया, और लीज भी हम लोग दे रहे थे। लीज में आप लोग क्या क्या दिए हैं? वो हिस्सा भी दे रहे थे, जो होता था उसमें धान होता था तो हम लोग धान दे रहे थे, और बीघा के हिसाब से पैसा दे रहे थे। आप ये भी आरोप आप लोगों पे लगाया गया है कि हमारी जमीन है और वो लोग सबको कुछ आज तक नहीं दिए हैं सर, इसीलिए तो हम लोग ईमानदार किए, इसीलिए तो हमको गलत में अभी जा रहा है। जब हम ईमानदार से नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता सर। लोगों की क्या मांग? हम लोग का मांग है कि हम ही लोग लेंगे जमीन आपको दिया जाए। हाँ, हम ही लोग को दिया जाए जमीन। वो लोग देने के लिए तैयार है? बोला जितना आदमी है मालिक से फरियाएंगे, मालिक से हमको लेना है, मालिक से। अच्छा, वहाँ पे कौन कौन गया था जिस दिन आप लोग वहाँ पे लिविंग लोग कर रहा था? जो आप लोग आरोप लगाकर बदस्ता किया है तो आप लोग थे वहाँ? कौन कौन था? सब आदमी था वहाँ पे। नहीं, कौन कौन आया था? कौन कौन आया वहाँ पे जो आरोप लग रहा था? जिला परिषद भी आया था। जिला परिषद का क्या रोल है? वो बोल रहा है कि हम मेरा जमीन है, हम जो भी कर सके। बहुत धमकी दिया, गाली गलौज दिया कि इस लोग को दिया गाली। आप थे? हाँ, हम भी साइड में थे हम। तो आप लोग की यही बात है कि जमीन आपको दिया जाए? हाँ, हम ही लोग लेंगे जमीन। आवेदन कहाँ कहाँ दिए? आवेदन कहाँ कहाँ दिए? आवेदन दिए हैं यहाँ पे भी, आलिस सिंह के पास भी दिए हैं, एसडी के पास, सबके पास दे दिए। यहाँ क्या नाम था? सरिता टू। घर कहाँ? मटियारी, वार्ड नंबर 12। ये सर जो बचपन से मेरा माता पिता को देखते आए हम, जो ज़मींदार को लीज दे रहा था, और लीज देते देते कुछों साल बाद जो है मेरा याद में जो है अभी हम लोग अपना नज़र से देखते हुए जो पैसा मांगने लगा, जो बोला जो लीज में हम पैसा लेंगे। ठीक, इसके बाद जो है हम भी कई बार गए हैं पहुंचाने के लिए, पहुंचा के आए, और जब भी जाते थे तब भी बोलते थे मलकिनी ये ज़मीन जो है हम लोग को एग्रीमेंट कर दीजिए, गरीब आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पैसा जमा करेंगे, या 2 साल या 2.5 साल जैसे आपका मर्जी होगा आप लिख दीजिए एग्रीमेंट। इसके बाद वो बोल रहा था जो मतलब नहीं, जब भी हम ज़मीन बेचेंगे आप ही लोगों को देंगे, हम और दुनिया को नहीं देंगे, लेकिन अपना अपना पोजिशन नहीं छोड़िएगा। जैसे ये जो पवन जी का मम्मी जो है यही जाती थी पहले, मतलब जाना आना करता था, वही बांट के लेके आता था। तो हम लोग आशा में रह गए सर, हम लोग भी सोचे जो शुरुआत में मेरा माता पिता लोग जो खतियान निकाला था ज़मीन का, देखा फलना का नाम है, तो हम लोग सोचे जो काहे ऐसा करेंगे, ज़मीन मालिक जब है ये है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग उसी से लेंगे। क्या मांग?
अभी हम लोगों का मांग है सर, ज़मीन हम ही लोगों को मिले, रेट जो है तय हो जाए और हम ही लोग लेंगे सर ज़मीन। क्या पोजीशन है? पोजीशन जो अभी वहाँ पे है, हम लोगों को तो पता नहीं था। जब घेर घार करने लगा, नापी होने लगा, तब हम लोग सोचे ये क्या हो रहा है। कौन घेर घार कर रहा है? ब्रोकर सब था। क्या नाम है? नाम तो नहीं जानते हैं सबका, लेकिन इधर पवन जी भी गए थे, वो भी बोला जो ने ब्रोकर को दे दिए हैं। इसके बाद हम लेडीज़ लोग को दौड़ाए उसका घर पर, हम अपने से भी गए तो इसका पवन जी का मम्मी बोले जो ने आप ज़मीन हम दे दिए हैं ब्रोकर को, आप लोग जाइए ब्रोकर से लीजिए। तो कैसे दीजिएगा मलकनी? तो वो बोला जो हम 3 लाख टका इकट्ठा दिए हैं, 1 लाख रुपया इकट्ठा देंगे। हम लोग बोले मलकनी देखिए आप ऐसा जो कह रहे हैं, हम लोग उतना पैसा का आदमी हैं, कुछ तो डिसाइड करना होगा। फसल एक फसल होता है, अब की बार बाढ़ पानी नहीं आया है तो अभी दिखाई दे रहा है ज़मीन है, नहीं तो अभी भी हैलान पानी रहता है ज़मीन में। हाँ, और जो है मतलब कि तुम्ही लोग को ज़मीन मिले? हाँ, हम लोग उसी में जिए हैं और उसी में अभी तक भी हैं। हम लोगों का कहना है ये ज़मीन अगर हम लोगों को नहीं देते हैं तो हम लोगों को यहाँ रहना मतलब मुश्किल है, नहीं बाहर निकल पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। लेकिन ऐसे भारत मुर्मू ऐसे हम लोग चाहते हैं जो फ्री में नहीं मांग रहे हैं, कुछ पैसा देंगे, गरीब आदमी हैं, कमा कमा के जमा करेंगे। आप लोग एग्रीमेंट कर दें। क्या परिचय है? भारत मुर्मू है। घर? घर मटियारी बक्सा घाट। तो जमील है जो ग्वासी मोजा में पड़ता है, उसमें आपका नाम ऑलरेडी SP के यहाँ दिया गया है, इसमें आपकी क्या भूमिका है या क्या आपको ब्रोकर साबित किया जा रहा है, क्या मामला है ये? सबसे पहली बात, जिसने हमको ब्रोकर साबित किया है वैसे लोगों पर तो हम कानूनी कार्रवाई करवे करेंगे। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र में कोई घटना घटेगी उसकी सूचना मुझे मिली, हम 1-1.5 घंटा लेट वहाँ पहुँचे कि मामला क्या है, आदिवासी समुदाय के लोगों को भी बुलाया, क्या बात है बाबू तैसी बस भाई, जब तुम्हारा मामला क्लियर कि जमींदार कह रहा है कि हम लिखने के लिए तैयार हैं कि हमने जो घर दिया है बनाने के लिए उसको हम रजिस्ट्री कर देंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? तूने सुनने में आया कि ब्रोकर, यहाँ कौन ब्रोकर बताओ? तो गाँव का सब लोग था, एक भी ब्रोकर नज़र नहीं आया वहाँ पर हमको। आप क्या लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र आपके साथ? तो और क्या हो सकता है, राजनीति षड्यंत्र नहीं तो क्या? हमारे ऐसे लोग पर अगर ये लड़के जमीन ब्रोकर का नाम जोड़ा जाए ब्रोकर से, जबकि दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है हमारा उन लोगों से ब्रोकर से, जमीन ब्रोकर की बात आई कहाँ से? जमीन जमींदार है वो, तो वो अपना नापी करवा के चिन्हित कर रहा है, पिलरिंग कर रहा है, मकान दे रहा है ताकि हम कल क्या करेंगे, तो कल की बात है ना। लेकिन यहाँ तो कोई ब्रोकर है नहीं, जमींदार डायरेक्ट है। मेरे ही समाज के लोगों ने आपत्ति किया तो हमको बुलाया उन लोगों ने। तो आप पंचायत करने के लिए गए थे? हम देखने गए कि देखते तब ना हम पंचायत के लिए बुलाते, उन लोगों को समझाया, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन 2 दिन के बाद आज पता चलता है कि ऐसा ऐसा आवेदन दिया गया जिसमें किसी ने षड्यंत्र रच करके मेरे खिलाफ एक आवेदन शायद SP साहब को दिया है। तो आपकी क्या मांग है? इस पर जाँच होनी चाहिए और अगर आदिवासी का कोई हक बनता है वैसे उसको तुरंत कब्जा दिलाना चाहिए या नहीं, जमींदार का घर है तो जमींदार का होगा वो चीज़। क्या परिचय? मेरा नाम रईसुल आजम, जिला पार्षद के नगर 17 नंबर। आदिवासियों के द्वारा एक आवेदन SP महोदय को दिया गया था, उस कॉपी को थाना के नगर एवं मरंगा थाना को भेजा गया, इसकी सूचना थाना अध्यक्ष के नगर के द्वारा मुझे दी गई। हम के नगर थाना के सभी स्टाफ और मरंगा संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचे, वहाँ दोनों पक्ष उपस्थित थे। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनसे कागजात की मांग मौके पर की गई, लेकिन उन लोगों के पास कोई कागजात नहीं था। उन लोगों का कहना था कि हम लोग लीज पर ज़मीन लेके साल साल लीज लेते हैं और खेती करते आ रहे हैं, और इस ज़मीन की बिक्री वो अब अन्य के साथ करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आवेदन हम लोग दिए। उन लोगों को निर्देश दिया गया कि अभी आपको जो भी कागजात है लेके थाना पर आइए। दोनों पक्ष को बुलाया गया, पुनः इसकी विधिवत सुनवाई की गई, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ये भी बताया गया स्पष्ट रूप से कि हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। तत्काल उन्हें यही निर्देश दिया गया कि चूँकि उन्हें कोई कागजात नहीं है और भूस्वामी उस ज़मीन की बिक्री कर रहे हैं, तो उसी में अपना मेल जोल करके ज़मीन क्रय कर लें
और मामले को निष्पादित कर लें आपसी मेल मिलाप के साथ में। इसी निर्देश के साथ आज बैठक की कार्रवाई बंद की गई है और दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। क्या थाना अशोक कुमार सिंह अंचल अधिकारी के नगर।